अक्सर मजलिसें पूरे पाकिस्तान जा रहा हूँ, रस्म समझ के मनाई जा रही है, रस्म कि साल में मुझे ये मजलिस करनी है, मजमा के तहत मुझे सुनना है। मजलिस रस्म नहीं है, मजलिस इबादत है। अब फ़र्क रस्म और इबादत क्या है, ये एक अपने जगह पे एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि दुनिया चाह रही है कि आप मजलिसों को रस्म बनाओ। तू खुलासा, क्योंकि रस्म में कैद व क़ुयूद नहीं होती, लेकिन इबादत में कैद और क़ुयूद होती हैं। मसलन अगर लिबा हिजाब जो ख़वातीन करती हैं ना, आज कोशिश की जा रही है कि हिजाब को कल्चर बनाया जाए, यानी कि जो सर पे दुपट्टा है ये कल्चर बन जाए, ये बोला जाए ये पाकिस्तानी कल्चर है, ये ना बोला जाए कि ये शरीयत का हिस्सा है। एक बड़ा टॉपिक है। क्यों? क्योंकि जब कल्चर बनेगा तो इसमें हद नहीं है, यहाँ रखो यहाँ रखो यहाँ रखो, भाई दुपट्टा तो है सर पे, दुपट्टा तो है। तो बेनज़ीर जो सर पे दुपट्टा रखती थी वो इस्लाम समझ के नहीं, कल्चर समझ के। तो कल्चर और इस्लाम में बड़ा फर्क है। जब आप इस्लाम के कहने पे हिजाब करते हो फिर कैद व क़ुयूद हैं कि एक बाल भी नज़र नहीं आना चाहिए। दुपट्टा पहना है, पीछे से बाल निकले हुए हों आगे से बाल निकले हुए हों, ये हिजाब नहीं है, ये कल्चर है, उसका कोई सवाब भी नहीं है। अब बंदा वजू करे, आयतुल्लाह क़रातिबी बहुत अच्छा जुमला फरमाते हैं एक दिन में बहुत गर्मी थी, शिद्दत की गर्मी, नहर के किनारे वजू करने गया, तो कहते मैंने पानी चेहरे पर, अब वजू कर रहा था, गर्मी वजू कर रहा था, जब चेहरे पे पानी डाला ना तो अंदर से नफ्स ने कहा है क्या ठंडा पानी है, मज़ा आ गया, फिर मैंने डाला। कहते जब वजू कर लिया मैंने कहा कराती ये तेरा वजू सही नहीं है, क्योंकि तूने मज़े के लिए किया इबादत के लिए नहीं किया। कहते दोबारा मैंने जाके वजू किया कि मैं वजू करूँ किस नीयत से, इबादत की नीयत से, ना कि गर्मी लगी है अब गुस्ल जुमा भी हो जाएगा और गर्मी भी उतर जाएगी, नहीं, वो गर्मी के उतारने के लिए है। प्रायोरिटी क्या होनी चाहिए, मजलिस में जा रहा हूं लेकिन जहन में ये हो अच्छी नियाज है, अच्छा पुलाव है फलां की मजलिस में, तो नीयत फिर मजलिस की नहीं बनी, फिर पेट परस्ती बन गई। बड़ी बारीकियां दीन में। तो आज इन चीजों को बदला जा रहा है कि हिजाब को कल्चर बनाया जाए, मजलिस को फेस्टिवल रस्म बनाया जाए और बोला जाए। अंग्रेज बोलते हैं ये शियों का फेस्टिवल है, ईद मिलाद नबी सुन्नियों का फेस्टिवल है, ये फेस्टिवल का नाम कि रस्म होगी, दो महीना ये शियों की रस्म है, और जब रस्म बन जाती है तो बड़ी से बड़ी एक्टर और एक्ट्रेसेस पूरा साल नाचती है, मुहर्रम में दुपट्टा पहन लेती है, क्योंकि ये रस्म मनानी है उसे, मुहर्रम में ये रस्म है, न्यू ईयर में ये रस्म है, शादी में ये रस्म है। तो अगर शिया रस्मी बन जाए ना कि हुसैन की मजलिस में आए तो बड़ा हिजाब है, लेकिन जब पड़ोस में किसी की शादी हो फिर अब ये शिया नहीं लगता, अब ये यजीदी मकतब वाला लगता है। तो हुसैनी हमेशा हुसैनी रहता है, हुसैनी टाइम पास के लिए हुसैनी नहीं बनता कि दो महीना हुसैनी है, छः महीना शैतानी है, रमज़ान में अल्लाह वाला है, ये महीने हमने बटोर दिया है कि ये हुसैन का महीना है, ये अल्लाह का महीना है, ये अली का महीना है। ये दीन नहीं है, दीन कपड़ा नहीं है जितना काटा और पहन के पसंद कर लिया, दीन पानी है, गिलास में डालो तो शक्ल गिलास जैसी हो जाती है। दीन को अपनी शक्लों में न ढालो, खुद को दीनी शक्ल में ढाल दो। या अली, करबला 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 करबला। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व जिल फरजान।